अब जैसे कि फेस्टिवल्स नजदीक आ रहे हैं तो हम लोग अपने घर की साफ सफाई में जुट गए हैं, जिसमें अपने घर को साफ करने के लिए सबसे पहले बारी आती है पर्दों की। पर्दे अक्सर हमारे घर में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या फिर साल भर तक ऐसे ही टंगे रहते हैं और हम उसकी क्लीनिंग भूल जाते हैं। तो दिवाली एक ऐसा समय होता है जब हम अपने घर के सारे ही कर्टेन्स की क्लीनिंग करते हैं। लेकिन कर्टेन्स यानी कि पर्दे की क्लीनिंग करते समय सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इनको हमें हाथ से वॉश करना पड़ेगा या फिर हमें पर्दे ड्राई क्लीनिंग के लिए देने पड़ेंगे, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो ये सब सोचकर हम पर्दों की क्लीनिंग छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इनको मशीन में वॉश कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपसे कहती हूँ कि मशीन में वॉश कर सकते हैं, तो आपके माइंड में आता है कि जो पर्दों में रिंग लगी होती हैं, अक्सर इनके निकल जाने का डर हमको बना रहता है। तो आज जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें आपके पर्दे से ये रिंग्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। पर्दे किस तरह से लगाए जाते हैं इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी तरह से कर्टेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दोनों ही केस में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, तो कमेंट्स करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे रूम में जो कर्टेन्स लगे हुए हैं, शायद देखने से आपको इतना पता ना चल रहा हो कि ये कर्टेन्स गंदे हो गए हैं, क्योंकि हमने डार्क कलर के कर्टेन्स लगाए हुए हैं और डार्क कलर के कर्टेन्स लगाने का एक यही बेनिफिट होता है, लेकिन हमें इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर सारे के सारे कर्टेन्स निकाल लिए हैं। कर्टेन्स निकालने के बाद सबसे पहले आपका एक यही काम होना चाहिए कि जितने भी इसके हुक्स हैं जिसके ऊपर कर्टेन रॉड लगी हुई थी, उसको आप एक साफ कपड़े से क्लीन कर दीजिए। जो कर्टेन की रॉड है उसको भी क्लीन कर दीजिए, ताकि जब आप कर्टेन्स धोकर साफ करके लगाएं तो कर्टेन की रॉड का गंदापन आपके साफ धुले हुए पर्दों पर ना लगे। तो इस तरह से पहले हुक्स को क्लीन किया है, उसके बाद रॉड को भी अच्छे से साफ और सूखे कपड़े से क्लीन कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पर्दे होते हैं, पहले आप उसको ब्रश की सहायता से थोड़ा सा क्लीन कीजिए, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी होती है, अक्सर हमको दिखाई नहीं देती है। अब बात आती है कि अगर हम इन कर्टेन्स को डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और जब वो राउंड राउंड घूमता है तो इसके रिंग्स निकलने का बहुत बड़ा डर रहता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आपके चाहे कितने से कितने महंगे पर्दे हों, चाहे कितने ही सस्ते हों, अगर आप ये ट्रिक अपनाकर कर्टेन्स को मशीन में धोते हैं तो इनकी रिंग्स कभी भी नहीं निकलेंगी। मेरे ये जो कर्टेन्स आप देख सकते हैं, ये लगभग 5 से 6 साल पुराने हैं और अभी तक इनकी रिंग्स वैसे ही बरकरार हैं, क्योंकि मैं इनको हमेशा इसी तरह से वॉश करती हूँ। ये थोड़े हल्की क्वालिटी के कर्टेन्स हैं, लेकिन जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था वो थोड़े हैवी क्वालिटी के हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनको भी मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ सेम इसी तरह से। तो इसके लिए मैंने पर्दे को कुछ इस तरह से अरेंज किया है। उसके बाद आप कोई भी नाड़ा ले लीजिए या फिर कोई धागा ले लीजिए, धागा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, और इस तरह से आप कर्टेन्स की सारी जितनी भी रिंग्स हैं उनको आपस में बांध दीजिए। इससे होगा क्या कि जब मशीन में ये घूमते हैं तो इनकी रिंग्स मशीन में नहीं टकराएंगी और आपकी रिंग्स पर्दे में से निकलने से बच जाएंगी। तो इस तरह से मैं सारे के सारे पर्दे की जितनी भी रिंग्स हैं उनको इकट्ठा करके एक बार इस तरह से टाई कर देती हूँ। और टाई करने के बाद आप चाहें तो कोई पुराना सॉक्स ले लीजिए या फिर कोई आपके पास धुला हुआ सॉक्स है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सॉक्स को आपको रिंग्स के ऊपर कुछ इस तरह से पहना देना है कि रिंग्स कवर हो जाएं। सॉक्स की जो इलास्टिक होनी चाहिए वो थोड़ी टाइट हो, ताकि ये इन रिंग्स से निकले नहीं। अदरवाइज आप एक बार सॉक्स लगाने के बाद भी इसको टाई कर सकते हैं, यानी कि बांध सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रिंग्स को कवर कर दिया है। अब क्योंकि जब सॉक्स भी धुलेगा तो इसके अंदर की रिंग्स साफ तो हो जाएंगी, लेकिन टूटने से बच जाएंगी, क्योंकि ये मशीन की दीवारों पर टकराएंगी नहीं। तो इस तरह से आप रिंग्स को कवर कर दीजिए, पहले बांध देना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सॉक्स से कवर कर दीजिए और आपके कर्टेन्स बिल्कुल सेफ हो गए हैं। अब आप इनको मशीन में धोना स्टार्ट कर सकते हैं।
मशीन में किस तरह से धोना है वो भी बता देती हूँ। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कर्टेंस धोने के मूड में नहीं हैं या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप कर्टेंस को इस वाले ब्रश की सहायता से भी क्लीन कर सकते हैं। अक्सर पर्दे नीचे की साइड से बहुत ज़्यादा धूल में हो जाते हैं, तो ये जो ब्रश है मार्केट में इजीली आपको मिल जाता है और इस ब्रश की सहायता से भी आप अपने पूरे कर्टेंस को झाड़ सकते हैं या फिर एक बार पर्दों को उतार कर झाड़ दीजिए और फिर लगा दीजिए, तो इस तरह से भी आप अपने कर्टेंस को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि साल में या फिर 6 महीने में पर्दों को एक बार जरूर वॉश कीजिए। अब पर्दों को धोने के लिए मैंने मशीन में पानी भर दिया है और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डिटर्जेंट पाउडर का। अगर आपके पास इजी है तो आप इजी का यूज कीजिए। मेरे पास क्योंकि इजी इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर का यूज किया है। ध्यान दीजिए, डिटर्जेंट पाउडर आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बेकार क्वालिटी का यूज ना करें। मशीन को जेंटल पर सेट कर दीजिए। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल का एक जेंटल का, तो जेंटल पर ही हमेशा कर्टेंस को वॉश करें। पर्दों को मैंने एक बार अच्छे से झाड़ लिया था। झाड़ने के बाद मैं इसको 1 by 1 करके कर्टेंस मशीन में ऐड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कर्टेंस ऐड कर रही हूँ पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता चला जा रहा है, क्योंकि पर्दों में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। क्योंकि हम कर्टेंस अधिकतर डार्क कलर के यूज़ करते हैं तो वो गंदगी इतनी ज़्यादा हमको दिखाई नहीं देती है, तो इस तरह से मैं इसको जेंटल वॉश कर रही हूँ और लगभग 15-15 मिनट के 2 राउंड मैं इसको चलाऊंगी ताकि पर्दों में से अच्छे से गंदगी निकल जाए। अब 2 राउंड पूरे हो चुके हैं तो यहाँ पर कर्टेंस को आपको ऐड करना है स्पिनिंग टब में। मैं यहाँ पर डायरेक्टली मशीन से निकालकर स्पिनिंग टब में ऐड कर रही हूँ और मैं इसको 2 बार स्पिन करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी मैंने ऑन कर दिया है। पहले राउंड में पानी लगातार चलता रहेगा और मैं इसको 10 मिनट तक इसी तरह से क्लीन करूंगी। जब यहाँ पर स्पिनिंग का 1 राउंड पूरा हो गया है तो मैंने कर्टेंस को निकाल लिया है। मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो एक बार हम कर्टेंस को निकाल चुके हैं, अगेन मैं दोबारा इसको स्पिनिंग टब में ऐड करूंगी ताकि इसमें जितना भी सर्फ है वो सब कुछ निकल जाए। आपको स्पिनिंग करते हुए भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वॉश करते हुए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कर्टेंस की रिंग्स कभी भी नहीं निकलेंगी, पर्दे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही बढ़िया से आपके पर्दे घर में ही धुलकर तैयार हो जाएंगे। जब 2 बार स्पिनिंग हो गई है तो मैंने पर्दों को सूखने के लिए धूप में डाल दिया है। जैसे ही पर्दे हल्के गीले हों तब आप इनको निकाल लीजिए और एक बार प्रेस कर दीजिए। अब आप कर्टेन लगाने का तरीका देखिए। अगर आप कर्टेन्स को इस तरह से फोल्ड करते हैं तब तो ये बिल्कुल सही तरीका है। अक्सर हम पर्दों को लगाते समय उसको गलत तरह से फोल्ड कर देते हैं जिसकी वजह से पर्दे लगे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। दोनों रिंग्स इसके इस तरह से साइड में आनी चाहिए। अगर आप पर्दे को गलत तरीके से फोल्ड करते हैं तो एक तो पर्दों की जो क्रीच होती है वो सही नहीं बनती है, दूसरा वो देखने में भी काफी ज्यादा ऑड लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने गलत तरह से फोल्ड किया है, तो इस तरह से आपको फोल्ड नहीं करना है। आपको हमेशा इसकी जो राइट साइड है उसे ही ऊपर रखना है, तभी आपके पर्दे सही तरह से फोल्ड हो पाते हैं। अब पर्दों को इजीली कैसे हैंग करें ये भी आप देख लीजिए। इसके लिए आप सभी कर्टेंस को पहले इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके एक साथ इस तरह से रॉड में इसको लगा दीजिए तो कर्टेंस लगाना भी इजी हो जाता है और ये बहुत आसानी से लग भी जाते हैं। तो मैंने दोनों ही कर्टेंस को पहले फोल्ड कर लिया था, प्रेस कर ली है और इस तरह से रॉड में दोनों साइड इसको लगा दिया है। अब अगर कर्टेंस थोड़े भारी हैं, हैवी हैं, तो उसको नीचे से पहले पकड़ लीजिए ताकि इसको ऊपर टांगना इजी हो जाए। तो वेट जो है वो सारा मेरे हाथ में है पर्दों का, इसलिए इसको इजीली हमने इस तरह से हैंग कर दिया है और जैसे ही रॉड हुक पर पहुंच जाती है तब आप कर्टेंस को छोड़ सकते हैं और हुक्स को अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि जो रॉड है वो इधर से उधर ना हो और बैलेंस बिल्कुल साफ बना रहे। इस तरह से आप कर्टेंस लगाकर तैयार कर सकते हैं। धोना, सुखाना, प्रेस करना और लगाना सभी तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कर्टेंस क्लीन करने में अगर आज तक आपको प्रॉब्लम होती थी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अपने सगे संबंधियों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड नमस्ते इंडिया।